everyone. I am from Ambition Law Institute and today I am here to discuss all about BHU 5-year LL.B. entrance test. So BHU 5-year LL.B. entrance test is बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो 5-year LL.B. के लिए entrance test हमें offer करती है. आज की इस वीडियो में हम हर एक minute detail इस particular entrance test के बारे में जानेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये BHU का जो 5-year entrance test है ये है क्या. अभी तक मींस 2023 तक जो पैटर्न था इट वाज डिफरेंट, बट 2023 से ही आपका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है. पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट ऑफर करती थी फॉर 5 ईयर लॉ प्रोग्राम, बट अब CUET के अंडर फॉल करता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 5-year लॉ एंट्रेंस टेस्ट. तो अब से जो एंट्रेंस टेस्ट ये यूनिवर्सिटी हमें ऑफर करेगी वो कंप्लीटली वही एंट्रेंस टेस्ट होगा जो CUET UG के स्कोर्स के बेसिस पर आप लोग देंगे. तो जो CUET UG के आपके स्कोर्स होंगे वही स्कोर्स के बेसिस पर आपको BHU 5-year लॉ में एडमिशन मिलेगा. कैंडिडेट्स जो भी BHU में 5-year LL.B. करना चाहते हैं उन सबको CUET के थ्रू अपेयर होना पड़ेगा और उन्हें वही पर्टिकुलर सेक्शंस को ऑप्ट करना पड़ेगा जिन सेक्शंस से BHU एडमिशन मांगता है. जैसे सबसे पहला सेक्शन 1 आपको चूज करना पड़ेगा लैंग्वेज टेस्ट का व्हिच वुड बी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज. देन सेक्शन 2 आपको ऑप्ट करना पड़ेगा व्हिच वुड बी ऑफ लीगल स्टडीज एंड सेक्शन 3 आपको ऑप्ट करना होगा जनरल टेस्ट का. अभी मैं आपको इन सब का डिटेल सिलेबस बताऊंगी. जब आप ये तीनों सेक्शंस ऑप्ट करते हैं उसके बाद ही आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. So after all this, we are going to have the CUET results and CUET scores के basis पर आपका BHU 5-year law में admission होगा. But before that, हम ये देख लेते हैं कि क्या हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 5-year law करने के लिए eligible भी हैं या नहीं. तो हमारा eligibility criteria यहाँ पर कहता है कि हम 12th पास होने चाहिए. तो as per the demand of every 5-year law pursuing university, हर एक यूनिवर्सिटी की तरह BHU की भी डिमांड ये है कि आप 12th पास होने चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से. और इसी के साथ साथ उनका कहना ये भी है कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री के बोर्ड से 12th पास है तो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपके लिए 5-year लॉ ओपन रखती है. आप तब भी वहां जाकर के कर सकते हैं 5-year लॉ. एंड द नेक्स्ट थिंग कि जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका एग्रीगेट 50% होना चाहिए और बाकी एज पर द कैटेगरीज 45% एंड 40% एग्रीगेट भी एक्सेप्टेड है फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरीज. देन यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है. BHU से 5-year लॉ करने के लिए कोई एज बार नहीं है. कितना भी बड़ी एज का पर्सन हो वो BHU CUET के थ्रू 5-year लॉ कर सकता है. नाउ द नेक्स्ट इज paper pattern. So when we are talking about the paper pattern, the first thing it is a computer-based exam. तो आपके पास ये online pattern में exam होगा. पहले होता था different, but अब CUET के accordingly ये computer-based program रहेगा. Then नंबर ऑफ सेक्शंस यहाँ 3 रहेंगे और मार्किंग क्राइटेरिया रहेगा 5 marks you are going to get for every correct answer and for the negative marking is there. So for every incorrect answer आपका -1 होगा. ठीक है. Now moving on to the syllabus. Syllabus हमारे यहाँ पर 3 sections में categorized है which I have already told you. Section 1 आपका language test होगा which will be English and Hindi. Mostly students they go for English. And section 2 is the legal studies one and the section 3 is general test. तो अब देखते हैं इनके साथ हम कि डिटेल सिलेबस हमारे पास क्या है. इंग्लिश का डिटेल सिलेबस हमारे पास है फॉर द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आइडियम सिंटैक्स स्पेलिंग्स फ्रेजेस ग्रामर आइडियम्स एंड सिनोनिम्स प्रोवर्ब्स फ्रेजेस एंटोनिम्स लीगल टर्म्स जंबल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस होमोनियम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी कॉमन. आप लोग जो बेसिक ग्रामर अपनी करते आ रहे हैं उस बेसिक ग्रामर के बेसिस पे ही आपको ये वाले टेस्ट में भी अपेयर होना है. द नेक्स्ट इज अबाउट द लीगल स्टडीज. तो यहाँ पर हमें डिटेल स्टडी करनी है जुडिशरी. जुडिशरी इज द हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स और जजेस के बारे में कंप्लीट स्टडी. देन कॉन्ट्रैक्ट टॉट क्रिमिनल लॉ ये हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो हर 5-year लॉ एंट्रेंस टेस्ट मांगता है. देन आर्बिट्रेशन ह्यूमन राइट्स लीगल प्रोफेशन लीगल सर्विसेज इंटरनेशनल कंटेक्स्ट एंड लीगल मैगजीन्स. ये यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया है क्योंकि आपका जो 12th क्लास तक का लीगल स्टडीज का सिलेबस था ये कंप्लीट आपका लीगल स्टडीज का सिलेबस यहाँ पर आ गया है. Now moving on to the next which is the general test. तो general test में आपके पास कवर होते हैं general knowledge and current affairs which is very very essential part. Then the second is legal, logical, analytical reasoning. यहाँ पर critical reasoning नहीं है, so this is a plus point. Analytical reasoning है सिर्फ, and then general mental ability test. So यहाँ पर ये basic test आपके पास है mental ability में भी, जो आपका normal mathematics है, जो आपने class 10th तक करा है, वो ही maths आपसे पूछा जाएगा. तो आई सपोज ये पूरा सिलेबस अब आपको क्लियर होगा BHU का, एंड टिल है जो भी हमारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी BHU 5 ईयर LL.B एंट्रेंस टेस्ट के लिए वो आपके पास आ चुकी है. अगर इससे रिलेटेड आपका स्टिल कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो प्लीज कम टू अस, एंड देन आगे आने वाली वीडियोस में आई विल बी कमिंग अप विद द मोर डिटेल्स रिगार्डिंग द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ लॉ डोमेन्स. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड टू अस एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.